नई कारें, जो लोग नई कार के इंतजार में हैं, देखें पूरा वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, क्या प्लानिंग है आपकी, एक नई कार लेना है? अगर हाँ, तो 2022 में आप अपनी पसंदीदा कार खरीदने के सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि 2022 में लगभग हर टॉप कार निर्माता कुछ नए फीचर्स के साथ अपनी नई कारों को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आने वाले नए गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं। टाटा सियारा ईवी। दोस्तों, आने वाली टाटा सियारा ईवी TPEML द्वारा विकसित की जाने वाली टाटा मोटर्स की एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार है, जो ब्राइट व्हाइट कलर में आ रही है। नई टाटा सियारा को लेड हेडलैम्प्स, लेड टेल लैम्प्स, बॉटम एज में ब्लैक क्लैडिंग और ड्यूल टोन अलॉय व्हील जैसे फीचर्स के साथ अपडेट किया जाएगा। अपडेटेड टाटा सियारा 5 डोर के साथ आने की उम्मीद है। यहाँ गाड़ी के दोनों तरफ कुल 4 डोर होंगे और रियर में 1 डोर होगा। पावर ट्रेन में नई सियारा ईवी को 50 kWh का एक पावरफुल बैटरी पैक मिलेगा, जो साइज में टाटा निक्सॉन और टाटा पंच ईवी से थोड़ा बड़ा होगा। सियारा की रेंज होगी 350 से 400 किलोमीटर। कीमत की बात करें तो नया टाटा सियारा टाटा निसॉन और टाटा पंच से थोड़ी ज्यादा होगी। आने वाली टाटा सियारा इलेक्ट्रिक कार 20 से 25 लाख में उपलब्ध होगी। लॉन्च डेट की बात करें तो इस साल इसके लॉन्च होने की कोई उम्मीद नहीं है। कंपनी नई टाटा सियारा ईवी को अगले साल यानी कि 2023 के जनवरी या फरवरी में भारत में लॉन्च करेगी। 2023 महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट। दोस्तों, नई महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट के इंटीरियर और एक्सटीरियर को काफी हद तक अपडेट किया जाएगा, जिसमें आपको रीडिजाइन किया गया फ्रंट ग्रिल, नया बम्पर, नया 17 इंच अलॉय व्हील्स, टेल लैम्प क्लस्टर, हेड लैम्प, सीट अपहोल्स्ट्री और डार्क डैशबोर्ड मिलेगा। इसके अलावा कार में सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एयरबैग्स, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। दोस्तों, सबसे अहम अपडेट कार के पावर ट्रेन में किया गया है। नई महिंद्रा XUV 300 में एक नया और पावरफुल 1.2 लीटर 3 सिलेंडर एमस्टेलियन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 130 bhp का मैक्सिमम पावर आउटपुट और 230 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है। कीमत की बात करें तो महिंद्रा इस अपडेटेड फेसलिफ्ट को भारतीय ग्राहकों को कम कीमत में उपलब्ध करा रही है। इसकी शुरुआती कीमत होगी 7,96,000, जो कि 13,36,000 तक जा सकती है। लॉन्च डेट की बात करें तो 2023 महिंद्रा XUV 300 2022 के अंत तक भारत में लॉन्च होगी। रेनॉल्ट अरकाना कॉप SUV। दोस्तों, नई रेनॉल्ट अरकाना कॉप एक कॉम्पैक्ट SUV के डिजाइन में आ रही है, जो हाल ही में कैमरे में कैद हुआ था। हमें मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी को कॉप स्टाइल की स्लोपिंग रूफ लाइन दी गई है, जो बोर्ड से जाकर मिलती है, जो गाड़ी को एक हाई राइडिंग नॉच बैक लुक देती है। इसके अलावा आने वाली अरकाना SUV में शार्प LED हेडलाइट्स, लेड ट्रेल लाइट्स, इंटीग्रेटेड L शेप्ड LED, DRL जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। कार की लंबाई 4,545 mm, चौड़ाई 1,565 mm और ऊंचाई 1,565 mm होगी। पावर ट्रेन की बात करें तो नई अरकाना कॉप को 1.3 लीटर टर्बो चार्ज यूनिट और 1.6 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट के दो पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ पेश किया जाएगा। कीमत की बात करें तो अपडेटेड अरकाना कॉप को आप 10 से 12 लाख के बीच खरीद सकते हैं। लॉन्च की बात करें तो रेनॉल्ट की इस नई SUV को 2022 के अंत तक भारत में लॉन्च किया जाएगा। 2022 मारुति ब्रीजा। दोस्तों, मारुति की ये नई SUV प्रीमियम डिजाइन और बहुत ही शानदार लुक के साथ आ रही है, जिसके इंटीरियर को पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया है। इसमें आपको अपग्रेडेड डैशबोर्ड, इंस्ट्रूमेंट कंसोल और एक न्यू कंसोल की मिली भगत अपडेटेड इंटीरियर थीम मिलेगी। इसके अलावा कार में आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ा टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वॉइस रिकॉग्निशन एंड नेविगेशन, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक AC यूनिट, पैडल शिफ्टर्स, 6 एयरबैग्स आदि फीचर्स भी मिलेंगे। नई मारुति ब्रीजा की इंजन की बात करें तो SUV 1.5 लीटर K15B पेट्रोल इंजन से संचालित होगी, जो मौजूदा S-Cross और Artiga में उपलब्ध है। पेट्रोल इंजन 104 bhp की मैक्सिमम पावर और 138 nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। साथ ही बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी हासिल करने के लिए एक मजबूत हाइब्रिड सिस्टम दिया जा सकता है। 2022 मारुति ब्रीजा की कीमत पर नजर डालें तो ये बेहद किफायती कीमत पर मिल रही है। आप महज 8 लाख में इस लेटेस्ट SUV को खरीद सकते हैं। कार की कीमत 11 लाख तक जा सकती है।
उम्मीद है नई मारुति ब्रिजा अप्रैल 2022 में भारत में लॉन्च होगी। 22 ह्युंडई टैक्सॉन। दोस्तों 2022 ह्युंडई टैक्सॉन एसयूवी कार पैरामेट्रिक जुअल पैटर्न फ्रंट ग्रिल और लेड डे टाइम रनिंग लाइट के साथ आ रही है। कार के अन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें शार्पर हेडलैम्प्स, वाइडर सेंट्रल एयर इनलेट और रीडिजाइन फॉग लैम्प हाउसिंग अग्रेसिव कैरेक्टर लाइंस, एच बॉडी पैनल, व्हील आर्चेस और ट्विकेट बोनट और नया अलॉय व्हील्स मिलते हैं। 2022 ह्युंडई टैक्सॉन को बिल्कुल नया रियर प्रोफाइल मिलता है। इसके अलावा रियर में रैप अराउंड लेड टेल लैम्प को लेड लाइट स्ट्राइप से जोड़ा गया है। साथ ही रियर बम्पर में स्किड प्लेट दी गई है। टैक्सॉन के इंटीरियर को पूरी तरह से एक नया रूप दिया गया है जो काफी अट्रैक्टिव है, जिसमें नया डैशबोर्ड, सेंट्रल कंसोल, एक ऑल डिजिटल 10.25 इंच इंस्ट्रूमेंट कंसोल और एक 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आदि शामिल है। आने वाली ह्युंडई टैक्सॉन की इंजन की बात करें तो इसमें मौजूदा मॉडल के 2.0 लीटर पेट्रोल और 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन 150 bhp और 192 nm जनरेट करता है, जबकि 2.0 लीटर डीजल इंजन 182 bhp की पावर आउटपुट और 400 nm पीक टॉर्क उत्पाद करता है। न्यू जनरेशन ह्युंडई टैक्सॉन को आप 23 लाख से 28 लाख की कीमत पर खरीद सकते हैं। अपकमिंग ह्युंडई टैक्सॉन एसयूवी की लॉन्च डेट की बात करें तो उम्मीद की जा रही है कि शानदार एसयूवी मई 2022 में भारतीय बाजार में लॉन्च होगी। 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो। दोस्तों अपकमिंग महिंद्रा स्कॉर्पियो के डिजाइन को काफी अपडेट किया गया है, जहां महिंद्रा लोगो को सेंटर स्टेज पर रखा गया है। गाड़ी के ग्रिल को इंटीग्रेटेड DRLS और टर्न इंडिकेटर्स के साथ दोनों तरफ नए डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स के साथ डिजाइन किया गया है। कार को एक रीप्रोफाइल बम्पर मिलता है जिसमें किसी शेप्ड इनक्लोजर के साथ नई LED फॉग लैंप्स शामिल है। इसके अलावा गाड़ी को इलेक्ट्रिक सनरूफ, सिल्वर कलर्ड मल्टी स्पोक अलॉय रूफ रेल और डोर स्किल पर हल्का प्लास्टिक क्लैडिंग भी मिलेगी। गाड़ी के इंटीरियर में आपको एक डुअल टोन लेदर अपहोल्स्ट्री और एक रिवाइज डैशबोर्ड लेआउट मिलेगा। दोस्तों न्यू जन महिंद्रा स्कॉर्पियो 2.2 लीटर एम हॉग डिजाइल इंजन और 2.2 लीटर एम स्टेशन टर्बो पेट्रोल इंजन से संचालित होगी। दोनों इंजनों को 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से जोड़ा जाएगा। अब कीमत की बात करें तो 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो 10 से 20 लाख में उपलब्ध होगी। लॉन्च डेट की बात करें तो ये महिंद्रा के इस शानदार मॉडल को 2022 के बीच में भारत में लॉन्च किया जाएगा। फिर है महिंद्रा XUV 300 ईवी। दोस्तों हाल ही में महिंद्रा की इस नई इलेक्ट्रिक कार को चेन्नई में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था, जिसका लुक काफी अच्छा था। नई महिंद्रा XUV 300 को ईवी जैसी क्लोज ग्रिल, अपडेट फ्रंट, रियर बम्पर और अलग व्हील डिजाइन के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। कंपनी नई ईवी को सनप्रूफ, रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो AC के साथ अपडेट कर सकती है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी अपडेट किया जा सकता है। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स में मल्टीपल एयरबैग और कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल मिल सकता है। पावर में अपकमिंग XUV 300 को 40 kWh का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जो 350 km से 400 km की ARAI सर्टिफाइड रेंज प्रदान करेगी। कीमत की बात करें तो XUV 300 इलेक्ट्रिक कार को आप 15 लाख में खरीद सकते हैं। महिंद्रा अपनी इस नई इलेक्ट्रिक कार को 2022 के अंत तक भारतीय बाजार महिंद्रा EXUV 900। दोस्तों EXUV 900 इलेक्ट्रिक कार के फ्रंट में भी EXUV 700 की तरह ई शेप्ड RL और रियर में सी शेप्ड लेड टेल लैंप मिलेगा। गाड़ी को एक नया और स्टाइलिश लुक दिया जाएगा जो लोगों को आकर्षित करेगा। इसके अलावा गाड़ी के इंटीरियर में कुछ बदलाव किया जा सकता है। अपडेटेड महिंद्रा EXUV 900 में 72 kWh का बैटरी पैक मिलेगा, जो कि 450 से 500 किलोमीटर की रेंज देगा। अब कीमत की बात करें तो आने वाली EXUV 900 इलेक्ट्रिक कार को किफायती नहीं कहा जा सकता। इसकी शुरुआती कीमत होगी 35 लाख, जो 40 लाख तक जा सकती है। हालांकि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हाई बजट वाले भारतीय ग्राहकों के लिए कोई समस्या नहीं होगी। लॉन्च डेट की बात करें तो EXUV 700 की तरह EXUV 900 भी जुलाई 2022 में भारत में डेब्यू करेगी और 2023 में लॉन्च होगी। नंबर 8 पर है ह्युंडई क्रेटा फेसलिफ्ट। इस नई कार के फीचर्स की बात करें तो इसमें टक्सन से प्रेरित ग्रिल के साथ अपडेट फेसिया मिलेगी। कार के ग्रिल में दोनों तरफ इंटीग्रेटेड LED DRL भी मिलेगा। साथ ही LED हेडलैम्प, नया फ्रंट बम्पर और नए अलॉय व्हील मिलने की उम्मीद है।
दोस्तों इस नई हुंडई क्रेटा को 1.5 लीटर NA पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ पेश किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑप्शन में आपको एक 6 स्पीड मैनुअल यूनिट, एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक यूनिट, एक IVT यूनिट और एक 7 स्पीड DCT यूनिट मिलने की भी उम्मीद है। कार की कीमत 11 लाख से 18 लाख के बीच होगी, जो कि आपके बजट के आसपास ही होगी। इस नई हुंडई क्रेटा को भारतीय बाजार में अप्रैल 2022 में लॉन्च किया जाएगा। हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट को MG, एस्टोर, किया सेल्टोस, रेनॉल्ट डस्टर, टाटा हैरियर और स्कोडा कोशियाक से कड़ी टक्कर मिलेगी। 2022 सुजुकी एस क्रॉस जो काफी बड़े और चौड़े डिजाइन के साथ आता है। इस नए मॉडल में एडास सिस्टम मिलने की संभावना है, जो क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन कीप असिस्ट आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। फीचर्स, इस SUV में कुछ अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे जो पहले वाले मॉडल में नहीं थे। न्यू सुजुकी एस क्रॉस कार का डिजाइन SUV कार जैसा है, लेकिन इसका बॉडी स्टैंड मौजूदा मॉडल से अधिक ऊंचा और साइज में पहले से अधिक बड़ा होगा। कार के फ्रंट में 2 स्ट्रिप्ड क्रोम स्लेट और एक शार्प लुकिंग बम्पर दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट में कैमरा भी होगा, जो आने वाले ट्रैफिक का पता लगा सकता है। इंजन, उम्मीद की जा रही है कि न्यू सुजुकी एस क्रॉस में 48 वोल्ट सिस्टम वाला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 103 BHP और 138 NM का टॉर्क उत्पन्न करने में सक्षम होगा। सुजुकी एस क्रॉस में 1.4 लीटर बूस्टर जेट टर्बो इंजन भी मिल सकता है, जो 127 BHP और 235 NM का टॉर्क पैदा करता है। प्राइस, 2022 सुजुकी एस क्रॉस की कीमत एंट्री लेवल वेरिएंट के लिए लगभग 10 लाख रुपए में उपलब्ध होगा और टॉप एंड मॉडल के लिए 13 लाख रुपए तक जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। लॉन्च डेट, जापानीज ऑटोमेकर कंपनी न्यू सुजुकी एस क्रॉस को मई 2022 को इंडिया में लॉन्च करेगी। राइवल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर्स और अट्रैक्टिव लुक और डिजाइन के कारण न्यू सुजुकी एस क्रॉस इंडिया में रेनॉल्ट डस्टर, हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस पर भारी पड़ने वाली है। किया EV6 GT, दोस्तों ये कार किया के आने वाली न्यू मॉडल की एक और शानदार कार है, जो ड्यूल मोटर के साथ आती है और दोनों ही 585 HP और 740 NM उत्पन्न करता है। कार के फीचर्स की बात करें तो EV6 GT की हेडलाइट टेक्नोलॉजी को अपडेट किया गया है, जिसमें एक हेडअप डिस्प्ले शामिल है, जो अलर्ट स्पीड डाटा और टर्न बाई टर्न नेविगेशन निर्देश दिखाता है। किया के इस मॉडल में 77.4 kWh और 58 kWh की दो बैटरीज हैं। बड़े बैटरी पैक को रियल व्हील ड्राइव फॉर्म में 229 HP मोटर और ऑल व्हील ड्राइव फॉर्म में कनेक्टेड 325 HP बनाने वाले मोटर्स की एक जोड़ी के साथ जोड़ा गया है। 58 kWh बैटरी पैक को 170 HP RWD ट्रिम और 235 HP AWD वर्जन, ऐसे दो कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा किया EV6 GT में आपको लेटेस्ट हीट पंप मिलेगा, जो कि कार के कूलेंट सिस्टम से वेस्ट हीट को साफ करता है। एडजस्टेबल रीजनरेटिव ब्रेकिंग पूरी रेंज में कार में फिट की गई है। कार के लुक कमाल की है, जो लोगों को खूब पसंद आएगी। EV6 GT की स्टार्टिंग प्राइस है 45 लाख। 2022 के दिसंबर में इसे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। Citroën C3, दोस्तों फ्रेंच की कार निर्माता कंपनी Citroën ने इस नई कार को इंडिया में लॉन्च करने का फैसला किया है। Citroën C3 C5 एयर क्रॉस के बाद इंडिया में लॉन्च होने वाली फ्रेंच मोग्यू की दूसरी कार होगी, जिसे केबल CKD की आड़ में पेश किया जाता है। Citroën C3 का डिजाइन C5 एयर क्रॉस के समान होगा, जिसमें स्प्लिट हेडलैम्प दिया गया है। Citroën के फीचर्स की बात करें तो इस लेटेस्ट कार की लंबाई होगी 3996 mm, चौड़ाई 1740 mm और ऊंचाई होगी 1470 mm। कार का व्हील बेस 2540 mm लंबा रखा गया है, जो कार में थोड़ा ज्यादा स्पेस देगा। Citroën C3 में आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन मिलेगा, जो कि 5500 RMP पर 108.5 BHP और 1750 PM पर 151 mm का मैक्सिमम टॉर्क पैदा करता है।
इस नए मॉडल का लुक काफी शानदार है। ये कार आपको किफायती कीमत में ही मिल रही है। 8 से 12 लाख के अंदर आप इस नए सिट्रियन सी 2022 महिंद्रा एल्ट्रॉस G4 फेसलिफ्ट विद एडास। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने 2018 में फुल साइज SUV सेगमेंट में एल्ट्रॉस G4 को पेश किया था, तो अब महिंद्रा फ्लैगशिप एल्ट्रॉस G4 का एक नया रूप तैयार कर रही है और कई सारे नए फीचर्स के साथ इसे भारतीय बाजार में उतार रही है। आने वाली एल्ट्रॉस G4 फेसलिफ्ट में आपको एडास तकनीक मिलेगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाली SUV में महिंद्रा XUV 700 पर मिलने वाली फीचर्स मिलेंगी, जिनमें महिंद्रा अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, हाई बीम असिस्टेंट, लेन कीप असिस्टेंट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग आदि शामिल है। अल्ट्रॉस G4 फेसलिफ्ट के साथ कोई मैकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा मॉडल को 2.2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया जा सकता है, जो कि 4000 RPM पर 178 BHP का अधिकतम पावर आउटपुट और 1600 RPM और 2600 RPM के बीच 420 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है। पावर ट्रेन को केवल मर्सिडीज बेंज से मिली 7-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। मौजूदा 7-सीटर महिंद्रा SUV की तरह इस SUV कार में भी 18 इंच अलॉय व्हील्स, एक पावर टेलीगेट, एक 7 इंच कलर TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल और एक 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आदि मिलने की उम्मीद है। आने वाली अल्ट्रॉस G4 की कीमत की बात करें तो ये अपग्रेडेड SUV की स्टार्टिंग प्राइस होगी 29 लाख, जो कि 32 लाख तक जा सकती है। अब लॉन्च डेट की बात करें तो उम्मीद है कि SUV कार 2022 के बीच तक भारत में लॉन्च होगी।